हेलो, सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और कैसे हो आप सब लोग? मैं ठीक हूँ। और मैं अभी गांव जा रही हूँ। हाँ, मेरा भाई है ना, ट्रक है हमारे, तो ट्रक चलाता है, फिर वो गाँव अभी जा रहा है, वो क्या कहते हैं गाड़ी पे जा रहा है, इसलिए फिर क्या मैं या हम लेट जाके फिर क्या करेंगे, इसलिए हम सुबह सुबह निकल रहे हैं। और अभी मैं थोड़ी या आधे घंटे में शायद निकल जाऊँगी। ऑटो करा है हमने गांव तक छोड़ने के लिए, क्योंकि यश के पापा को टाइम नहीं है। और ये राजवर्धन अभी छोटा है, यश भी काम कर रहा था, तो फिर कौन लेके जाएगा, इसलिए। और मेरी बहन है, और सामान भी है काफ़ी सारा, क्योंकि अभी जो कपड़े सिलवाए थे उन लोगों ने तो वो यहीं पे पड़े हैं, तो वो भी लेके जा रही हूँ। और बच्चियों के कपड़े, छोटे छोटे जो मेरे भतीजे हैं ना, उनके लिए कपड़े लेके जा रही हूँ। तो ऐसा करके काफ़ी सारा सामान हो गया, इसलिए हम सोचा ऑटो ही कर लेते हैं, जो तीनों आराम से जाएंगे, बच्चे भी, और द्रौपदी के जो मेरी सिस्टर है उसके बच्चे भी साथ में जा रहे हैं, इसलिए। और कैसे हो आप? मेरी फेवरेट ड्रेस है, इसलिए मेरे को अच्छा लग रहा। कैसी लगी बताना, क्योंकि ब्लू कलर तो अभी मेरे पास है नहीं, अब लूँगी ब्लू कलर आज या कल, ब्लैक में पहनती नहीं, इसलिए। तो सामने वाली दुकान में ना गाँव वाले हैं जो कोई मिठाई ले रहा है, तो इसलिए मैं चुप चुप ही थर्ड साइड में होना बटर वाला, मैं ससुराल से ही वो मिठाई वाले नहीं जो लेने वाले हैं। इंसान की वजह से मुझे तो डिस्टर्ब हो गई। चलो, मेरे को सब लोगों का सपोर्ट मिलने की वजह से मैं ठीक हूँ फिलहाल, तो कोई बात नहीं। उसको उसका सपोर्ट मिलेगा, आज नहीं कल मिल ही जाएगा। इतना ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान काफ़ी वो फॉलोवर्स के चक्कर में ऐसा कुछ कर रहा है। मैंने तो नहीं किया, मेरे को तो ऐसा कोई नहीं है। मैं तो जैसे हूँ, जैसे मैं नॉर्मली रहती हूँ वैसे ही मैं वीडियो बनाती हूँ ना। मैं इसमें कुछ डाई वाई करती हूँ, कपड़े उपड़े भी यही पहनती हूँ, और ना ऐसा कोई फालतू मेकअप शेकअप करती हूँ, ना फालतू गंदे वर्ड यूज़ करती हूँ, तो फिर क्या मतलब किसी को ऐसा वीडियो बनाने में। तकलीफ तो बहुत हो रही है, लेकिन आज मैं ठीक हूँ। मेरा थोड़ा गांव भी जा रही है, तो थोड़ा हैप्पी हैप्पी हो रहा अंदर से इसलिए। और चलो फिर मिलते हैं गाँव जाके, फिर मिलती हूँ। हाँ, मेरे ससुराल में भी गरीब लोग हैं, हम लोग पियर में भी हम गरीब लोग हैं, लेकिन हम खुश हैं बस। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं। ठीक है, बाय। सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करो, क्योंकि आजकल सब्सक्राइबर कम आ रहे हैं बहुत। क्या हुआ, नाराज हो मुझसे? नहीं तो फिर अब सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी करो, लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट करना प्लस अच्छे करना। आप अच्छी फैमिली से हो, आप गंदे शब्द बोलोगे ना तो आपके माँ बाप पे जाएगी बात कि उनके संस्कार ऐसे हैं, लेकिन आपके माँ बाप अच्छे हैं, आप समझते हो, आप जानते हो अच्छे से कि आपके माँ बाप ने ऐसे संस्कार नहीं दिए, तो फिर आप गंदे कमेंट ना करें प्लीज़। आपके घर में भी माँ बहन होती है, एक जीजी, भाभी, दीदी, बहन, छोटे बच्चों जैसे मेरे यशराज के जैसे हैं, उनके लिए मम्मी, आंटी, वो समझ के ना कि गलत समझ के। अच्छा, हाँ होता है ना, हर इंसान कोई, अभी जैसे मतलब कोई हीरोइन है जैसे हेमा मालिनी है, कितनी सुंदर लगती है, तो वो हमें पसंद है। इसका मतलब ये नहीं कि अब हम उन पर गंदे कमेंट करके कुछ करेंगे। अगर तुम्हें, अगर वो बुरी इंसान है तो आप देखते क्यों क्यों देखते हो उसको, वही बात। मेरा नाम हेमा मालिनी की वजह से ही मेरा नाम हेमलता है, क्योंकि मेरे पापा मम्मी देखते थे ना, जब शुरू जब मेरा जन्म हुआ था उस समय ट्रेंडिंग हीरोइन थी वो, तो उन्होंने मेरा नाम हेमा रखा, हेमलता रखा मेरा नाम, बोला हेमलता अच्छा लगता था सब। और ठीक है, बस ऐसे ही रख दिया, उनको अच्छी लगी, इसलिए। हमारे पूरे गाँव में एक ही टी वी थी, तो सब लोग वहाँ देखने जाते थे। और ये भी, हाँ मेरे को ये इसलिए आया क्योंकि ये सोच रहे होंगे लोग काफ़ी कि उस समय में टीवी थी क्या गांव में, थी, क्योंकि मेरे बड़े पापा है ना जो नेवी में अफसर है, तो वो ही उन्हीं के पास थी, तो पूरे गांव वाले उधर ही आते थे देखने के लिए, मतलब जो भी इंटरेस्टेड था वो
यानी कि पूरे गांव का गांव आ जाएगा, फिल्म शो थोड़ा चल रहा था वो। अब बातें हो गई, मैं ऐसे ही बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा बोलती हूँ लेकिन सामने नहीं बोल पाती, और कैमरे के सामने भी अब बोलना शुरू करा है मैंने। देखो पहले नहीं बोल पाती थी ना, पहले वाले ब्लॉग में, इसलिए मैं ब्लॉग एक साल से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है लेकिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरे को बोलना ही नहीं आता था इसलिए। ठीक है, जय श्री राम। खम्मागणी बहुत अच्छा लगता है मेरे को, इसलिए बोलती हूँ। मेरे को पूरा पता भी नहीं है कि क्या बोलते हैं खम्मागणी के बाद, क्या बोलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, फिर भी मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैं बोलती हूँ। खम्मागणी सा, बाय बाय।